नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवल गुरु चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, मैंने एक सामान मंगाया है, एडजस्टेबल माउस पैड आर्म है। इसमें क्या होता है ना कि इंसान माउस चलाता है और लगातार जब काम करता है तो हाथ में यहाँ पर रिस्ट में दर्द हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जरिए इस दर्द को हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सपोर्ट देंगे हाथ को। तो देखते हैं क्या है चीज़, कैसे यूज़ करना है। मैंने भी पहले कभी नहीं देखा है, बस ऐसे ही अच्छा लगा और मंगा लिया। तो लगा के मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी जो अपना अगर अच्छा लगे। तो इसके साथ ये नट बोल्ट जैसा कुछ है और ये है मेन चीज। तो ये आप देख रहे हैं माउस, इसके ऊपर आप इसे हाथ रख लेंगे अपना आराम से और यूँ माउस चलाएंगे। चलिए देखते हैं भाई कैसे। इसमें इसका मैनुअल वगैरह तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ यहाँ दे दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये तीनों चीज़ दे दिया। जैसे लगाना हो ये ऐसे ही जगह पर लगेगा जैसे यहाँ लगाओ फोटो में। तो कैसे लगा हुआ है ये हम अभी दिखा रहे हैं कि कैसे ये लग के दिखेगा। ठीक है, ये तीन आइटम है इसमें। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे कि इस तरीके की इमेज है जिसमें आपके पास ये कंप्यूटर पे ये कीबोर्ड वाला अगर लगा हुआ, स्लाइडर लगा हुआ और यहाँ माउस रखे रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ लगाएं। तो यहाँ अगर आप इसको सेट करेंगे इस जगह पर, जब भी आप इसको यहाँ सेट करेंगे तो ये जो ये चीज़ है नट बोल्ट इसकी है पूरी, स्क्रू जो है ये इसको यहाँ फंसेगा, आप यहाँ लगा नहीं पाएंगे इस पर। अगर ऐसी इमेज के लिए आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए कि यहाँ लगेगा यहाँ नहीं लगेगा। तो पहला डीमेरिट इसका हम बता दे रहे हैं, बाकी मेरिट ही मेरिट है। चलिए मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लूँगा। ये देखिए कैसे देखना है, ये वाला ऊपर रहेगा, इसके साथ जाएगा ऐसे ये, और ये ऐसे रोटेशन में, मतलब 180 डिग्री रोटेशन रहता है इसका। किधर भी करके आप कंप्यूटर पर सेट करके चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्क्रू यहाँ पर, इस बीच में स्क्रू जाएगा, इसमें हम लगा लेंगे। मैं तेजी से इसे घुमा रहा हूँ जैसे आप बोर ना हो, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और गॉसिप फंडा पर ऐसे टेक्निकल वीडियो और ज़्यादा पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है आप जाके सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये यह ज़्यादा मैंने टाइट कर दिया है, मैं पहले इसको जहाँ भी आपको लगे इस जगह पर, ये जगह पर जाके नीचे सब देखिएगा, नीचे ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर रुको आपको टाइट करना है। ठीक, उस हिसाब से टाइट कर लीजिए। अच्छा, अब ये यहाँ पर तिरछा भी हो जाता है तो माउस पैड यूँ उठ जाता है जो आर्म है, तो इसको हल्का सा ढीला यहाँ रखना है। ये मान के रखिए कि इसके लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, आपको ये वाली इमेज जब ऊपर यूज़ करनी है तभी इसके लिए बेस्ट उपयोग कर पाएंगे, इसको आप बेस्ट उपयोग कर पाएंगे। ये हो गया इसका, और इस पर आप हाथ रख के ये आराम से इसको माउस को चला सकते हैं। इसको बाहर में कर लेता हूँ पूरा, मैं आराम से माउस चला रहा हूँ। यहाँ हमें थोड़ा सा हाथ का जो सपोर्ट मिल जाएगा, तो जो यहाँ हाथ दर्द करने लगता था वो नहीं करेगा, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस यूँ आपने इसको तिरछा कर लिया, इधर आप कुर्सी लगा के यूँ बैठे हुए हैं, तिरछा चलाते हैं माउस पैड तो भी आप यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एडजस्टेबल है ये, थोड़ा सा अच्छा है, मजबूत भी है, इतना भी कमज़ोर नहीं है कि टूट जाएगा जल्दी, और अच्छी चीज़ है। मैं यूज़ करूँगा ज़्यादातर, नीचे से ढीला करके अपने हिसाब से इसका ऊपर नीचे हाइट कर सकते हैं, निकलेगा नहीं इतनी आसानी से। देखिए यहाँ पर हाथ ऊपर हो जा रहा है, माउस नीचे हो जा रहा है, तो आपके रिस्ट में भी पेन पैदा हो जाएगा। इसका टिप एंड ट्रिक्स हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ऐसे कोई लकड़ी टुकड़ा आपके घर में जरूर पड़ा होगा, और इसको इसके नीचे चले, नहीं तो कोई डायरी लगा दीजिए इतनी बड़ी, और ये हो गया आपका माउस ऊपर। आराम से कीबोर्ड उठा के यहाँ रख लीजिए और फिर माउस आराम से चलाइए आप, बहुत अच्छे से आ गया सेट होके। तो अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे वीडियो और चाहिए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गॉसिप फंडा चैनल को, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टेक वीडियोज डालते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।